शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम सुधरोगे नहीं ना। अगर तुम ऐसे ही अपनी गोद में प्यार से लिटाकर समझाओगे ना, सुधर जाएंगे। तुम पर बहुत चोट लगी है, तुम घर कैसे जाओगे? हम किसी को बुलाते हैं। हमारा दोस्त मजनू। मजनू? मजनू? शिवांश, 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 शिवांश। ये देखो, अभी तक बिटिया नहीं आई है, शाम हो गई। श्रवणी, अरे बेटा तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? अरे बिटिया कहाँ थी? श्रवणी कहाँ से आ रही हो तुम? उसी लड़के के साथ थी ना? हाँ, उसी के लिए ऐसे सरपट भागी थी ना? बोलो। ओ, हम क्या हो, बोलोगी कि नहीं? देख लीजिए पापा, आपकी आदर्शवादी लड़की क्या गुल खिला रही है। हमारे सर की कसम खा के खाओ, तुम सच में उस लड़के से मिलने गई थी? जी वो हम गए थे, लेकिन देखा सुकलाइन, सुना, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई के नाम पे खानदान की कैसी इज्जत पे बट्टा लगा रही है। अरे बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। अरे आप लोगों ने एक बार भी पूछा कि हम किस हालत में लौटे? हाँ गए थे हम, मिले हम उससे, मदद कर रहे थे उसकी इंसानियत के खातिर, क्योंकि उसे जरूरत थी हमारी, कोई गलत काम नहीं किया है हमने। अरे आप लोगों ने कुछ तस्वीरें क्या देख ली, कैसी कैसी बातें करने लगे। यही है तुम्हारी हालत? कैसी हालत? हाँ अगर दुपट्टा नहीं है तो इज्जत कम हो गई हमारी। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। वाह क्या बात है। देखिए पापा, आपकी आदर्शवादी बेटी को अब बड़ों से जुबान लड़ा रही है। हम जुबान नहीं लड़ा रहे स्वीटी, केवल अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गलत फहमी है और हमने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। पर ताऊ जी, अगर यहाँ बात सिर्फ बात वालों की होती तो हम चुप रहते, लेकिन यहाँ बात हम सब की है। माँ आप बताइए, क्या आपको भी हम पे भरोसा नहीं है? है बेटा। ताई जी, ताऊ जी, क्या आपको लगता है कि हमने कुछ गलत काम किया है? नहीं श्रावणी, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। श्रवणी
हमें हमारी परवरिश पर पूरा भरोसा है बेटा। अरे बिटिया, ये समाज बिरादरी की बात है। अगर चार लोगों में रहना है ना, तो चार लोगों की बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आप लोग एक बात बताइए, इसने खुद कहा था ना कि अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाएगी तो पढ़ाई छोड़ देगी। तो कहां साबित कर पाई सच्चाई? मानिए या ना मानिए, इसके सर पे लगा हुआ कलंक अभी मिटा नहीं है। कल नाग पंचमी है और कल सुबह तक का इसने समय मांगा था, तो नाग पंचमी की पूजा से पहले पहले श्रवणी बिटिया अपनी सच्चाई साबित करेगी, नहीं तो अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। और कौन है आप और सफाई क्यों दे? काफी देर से सुन रहे हैं आपको, लहजा संभालिए अपना। हमें श्रवणी पर पूरा भरोसा है। कोई सबूत की दरकार नहीं है भाई साहब, हमें भी कोई शौक नहीं है किसी और के घर के मामलों में टांग अड़ाने का, लेकिन रहना तो इसी बिरादरी में सबको है ना। या तो मामला साफ कीजिए या समाज तय करेगा कि कल क्या होना है। समाज क्या तय करेगा और क्या करना है मतलब? मतलब यही कि मजबूरन हमको आपके परिवार का बहिष्कार करना पड़ेगा। कोई पानी तक नहीं पिएगा आपके यहाँ का। भैया आपको तो पता है ना कि खरबूजे को देके खरबूजा रंग बदलता है। आज एक लड़की हद पार की है, कल दूसरी और करेगी, तब या तो श्रवणी बिटिया अपनी सच्चाई साबित करेगी, नहीं तो सजा की तौर पे अपनी पढ़ाई छोड़ देगी। और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। चलो। मतलब आप लोग धमकी दे रहे हैं हमें? भाभी कैसी बात कर रही हैं? हम धमकी नहीं दे रहे हैं, अपना समझ के समझा रहे हैं। अपने अपने बहु बेटियों की इज्जत को उछालते हैं भाभी? जब लड़की अपने हाथ से निकल जाती है ना, तो कान पकड़ के उसको रास्ते पे लाया जाता है। कोई लड़की हमारे हाथ से नहीं निकली है और उसके कान पकड़ने की भी किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि हमें हमारी परवरिश पे पूरा भरोसा है। और रही बात आपके पानी पीने की, तो आपको पानी पिलाने का शौक भी किसी को नहीं है। ताई जी, हमें जो कहना था हम कह चुके, अब फैसला कल सुबह ही होगा श्रवणी बिटिया के सच के साथ। नमस्ते। नमस्ते। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।